अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आइयो, अच्छे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था दोपहर से। दोपहर में मैंने लंच में बनाया था साउथ की फेमस डिश, जो कि हर घर में बनती है, हर लोग पसंद करते हैं, सभी को बहुत पसंद आती है और बहुत ही हेल्दी होती है। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले मैंने नारियल का 4-5 टुकड़ा ले लिया था। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, हरी मिर्ची 4 से 5 हरी मिर्ची और लहसुन की कली 5 से 6 ले लिया था। मैंने उसे एक बार ऐसे पीस लिया था मोटा मोटा सा, ताकि जो नारियल है वो अच्छे से पीस जाए। उसके बाद मैंने टोमेटो को ऐड किया और हरा धनिया भी ऐड कर दिया था उसी में। उसके बाद मैंने बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, फाइन पेस्ट बनाया। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, हर कोई इसे आसानी से बना सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है बनाने में। उसके बाद मैंने ऑयल डाला पैन में, पैन में ऑयल डाल के बहुत ही अच्छे से गर्म किया था। फिर उसके बाद मैंने मस्टर्ड सीड थोड़ा सा ऐड किया था और करी लीव्स थोड़ा सा ऐड किया था। उसके बाद थोड़ी देर उसे फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी भी ऐड किया, ताकि अच्छे से वो कुक हो जाए, मसाला अच्छे से कुक हो जाए, कोई भी रॉ स्मेल ना रहे। अगर रॉ स्मेल रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद मुझे इमली का पानी भी ऐड करना है, जो मैंने पहले से भिगो दिया है। इसमें इमली थोड़ा ज़्यादा लगता है तो खट्टा खट्टा सा लगता है, तो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहीं पे मैंने नमक को भी ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड किया था, क्योंकि भुना हुआ ज़ीरा डाल दो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर मैंने भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड किया। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाला डालने से क्या होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने गरम मसाला भी ऐड कर लिया है। गरम मसाला मैं ज़रूर ऐड करती हूँ हर खाने में, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने जो इमली भिगोया था, फिर उसका पानी भी मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है, ताकि वो मसाले के साथ अच्छे से कुक हो जाए। क्योंकि जितना मुझे ग्रेवी चाहिए रहेगा, तो फिर लास्ट में उसे मैं डाल दूँगी, ये साथ में कुक हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये देखिए, हमारा सब कुछ कुक हो चुका है, बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। यहीं पर मैं पानी भी ऐड कर दूँगी, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर दूँगी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। वैसे ये थोड़ा पतला पतला सा रहता है, तभी अच्छा लगता है खाने में। ये थोड़ा थिक रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है खाने में, तो इसलिए मैं पतला थोड़ा रखी हूँ इसको। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे ऐसे छोड़ दूंगी बॉयल आने तक। जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें अंडा भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए बॉयल भी आ चुका है, मैं यहीं पे अंडा भी ऐड कर दूंगी। मैंने 5 अंडे ले लिए हैं, इसमें मैंने फोड़ दिया है। 5वें अंडे को मैंने अच्छे से अलग अलग करके थोड़ा फोड़ा है, ताकि वो अलग अलग सेपरेट रहे, ताकि ये वो अच्छे से कुक हो सके, एक ही में चिपके ना। इससे क्या होता है, टेस्ट और अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा लगता है मेरे घर में, बहुत अच्छा लगता है सबको। और ये तो वैसे भी खा लो तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे जुहान को भी बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये साउथ की फेमस रेसिपी है, तो वैसे साउथ वाले तो खाना पसंद करते हैं। वैसे ये डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि गर्मी में खाने के लिए कि ये हेल्दी होता है। ये चिकन उकन से तो बहुत ही बेस्ट होता है खाने में, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। अगर आप साउथ में रहते हैं तो आपको खुद ही पता होगा कि इसकी क्या वैल्यू है। अगर आप साउथ में नहीं रहते हैं तो फिर एक बार जरूर ट्राई करिएगा और खाइएगा, बहुत ही मजे की लगती है ये। शाम हो चुके थे तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कैंडी बना देते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही इजी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बच्चों की फेवरेट होती है, ऑरेंज कैंडी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने ऑरेंज जूस ले लिया, इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये इसमें आइस जम गया था, तो फिर मैंने ऐसे ही पैन में डाल दिए, तो गैस ऑन किया जब, तो वो मेल्ट हो गया। उसके बाद मैंने 2.5 कटोरी चीनी डाली, छोटी कटोरी से चीनी डाल दी। मैं इसे हाई फ्लेम पे ऐसे ही चलाती रहूँगी जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। जब चीनी मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर लूँगी। इसे चलाते रहना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो फिर वो अंदर चिपक जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा, हमारा कैंडी जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसे ऐसे चलाते रहना, कंटिन्यू ऐसे चलाते ही रहना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये देखिए हमारा चीनी मेल्ट हो चुका है, मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर कर लिया है ऐसे चला।
इसे चलाते हुए मुझे 15 मिनट हो गया, इसमें झाग भी आना स्टार्ट हो गए हैं और जो क्वांटिटी था वो हाफ हो गया। ये देखिए चीनी और जूस कितना कम हो गया है, इसमें झाग बहुत ही अच्छे से आना स्टार्ट हो गया। तो इसका कलर बहुत ही लाइट था तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। आपके ऊपर डिपेंड, आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया ताकि कैंडी हमारी देखने में अच्छी लगे और बच्चे लोग भी सोचे कि हाँ बाहर जैसा एकदम कैंडी बना हुआ है, तो इसलिए मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है। ये देखिए कितने अच्छे से मेरा झाग आना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही ठीक हो गया है। इसमें देखते हैं कितना, जैसे ऐसे मुझे चेक कर लेना है कि इसमें जम रहा है या नहीं जम रहा है। जब मैंने फिंगर्स ऐसे चेक किया तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और चाहिए, बहुत ही पतली सी लग रही थी ये जो हमारा जूसी सा है, ये बहुत ही पतला सा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और इसे कुक कर लेती हूँ ताकि और ठीक हो जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने इसे फिर से कुक किया, कम से कम 10 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे कुक किया। चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब देखिए बहुत ही अच्छे से जम रहा है, अब मैं इसे गरम गरम ही इसे मोड में डाल दूंगी। ठंडा होने का वेट नहीं कर सकते, नहीं तो ये पैन में ही जम जाएगा तो फिर हमारी कैंडी नहीं बन पाएगी, कैंडी का सेप नहीं दे पाएंगे हम लोग। ये मैंने मोड डी मार्ट से लिया था, आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है, बहुत ही सस्ता मिलता है ये, 50 या 60 रुपीज़ में ऐसे मिल जाता है। इससे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है आपको, और ऐसे कैसे कटोरी में बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, ऐसे सेप दे देंगे तो बच्चे लोग को लगेगा कि हाँ कैंडी है। अगर आप इसे किचन के प्लेटफॉर्म पे ऐसे रख देंगे 2-3 घंटा तो वो आराम से बहुत ही अच्छे से जम जाएगा, लेकिन मैंने फ्रीज में रख के थोड़ा जल्दी जमा लिया क्योंकि मेरे बच्चे लोग को बहुत जल्दी था, बहुत अर्जेंट था, उन लोग से कंट्रोल नहीं हो रहा था कि हाँ मुझे जल्दी से कैंडी दो करके, तो फिर मैंने फ्रीज़र में रख के जल्दी से इसे जमा लिया था। कम से कम आधे घंटे में तो बहुत ही अच्छे से जम गया, देखिए कितनी अच्छी शेप आई है, बहुत ही अच्छे से बनी थी, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा निकालने में, बहुत ही अच्छे से निकल जा रहा है, इतना अच्छा लग रहा था मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चे लोग को बहुत पसंद आएगा। बाहर का तो हम लोग कैंडी खिला नहीं सकते, तो घर का ही बना हुआ खिला देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। हमारे घर में मेरे बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और हम लोगों ने भी खाया, मज़ा आ गया था खा के, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा मेरा कैंडी बन जाएगा। ये देखिए मेरे बच्चे लोग कितने अच्छे से खा रहे हैं, बहुत मज़ा आया था उन लोग को खाने में, उन लोग से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि कैसे दो दो दो, फ्रीज़र बार बार खोल खोल के चेक कर रहे थे कि मुझे दो करके, जोहान को हसन को, ये बच्चे लोग का ही फेवरेट होता है, तो बच्चे लोग खा लिए, अपना मजा आ गया उन लोग को। ये दूसरे दिन की वीडियो है मेरी, यानी कि फ्राइडे की वीडियो है। फ्राइडे की दोपहर को मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं करके, तो फिर मैंने सोचा चलो मटर है, मटर पुलाव बना लेती हूँ क्योंकि मटर पुलाव वैसे भी सबको पसंद है, विंटर सीजन चल रहा है तो अभी जब मटर थोड़ा बहुत खा लो फिर बाद में कहाँ मटर मिलेंगे, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से मटर पुलाव बना लेती हूँ, बच्चे लोग भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे। वैसे पुलाव तो सबको बनाने आता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने पैन चढ़ाया, पैन में ऑयल डाला, उसके बाद मैंने छोटी इलायची, दालचीनी का 2-3 टुकड़ा डाला और लौंग डाला, उतना डालने के बाद मैंने प्याज डाल दिया, प्याज को फ्राई किया, उसके बाद यहीं पर मैंने हरी मिर्ची बीच से कट करके डाल दिया है। इससे क्या होता है टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि मैं चिली पाउडर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, जितना मुझे तीखा चाहिए रहेगा वो ग्रीन चिली से आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन चिली वैसे भी बहुत ही टेस्टी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाने में ग्रीन चिली ही यूज़ करती हूँ, चिली पाउडर बहुत ही कम ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद इसका टेस्ट तो पता ही है आप लोगों को कि कितना अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब मैं यहीं पर टोमेटो भी ऐड कर दूँगी, टोमेटो और भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी और यहीं पे नमक भी ऐड कर दूँगी ताकि सब कुछ अच्छे से भून जाए। उसके बाद यहीं पे मैं टोमेटो भी ऐड कर दूँगी ताकि टोमेटो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं बस लास्ट काम बचा रहेगा तो वो रहेगा मटर को डालना, तो फिर वो मटर को डाल दूँगी, फिर थोड़ी देर वो कुक करूँगी, फिर उसके बाद मैं चावल को वॉश करके रखी हूँ वो ऐड कर दूँगी इसमें।
ये देखिए पानी हमारा पूरी तरह ड्राई हो चुका है, मैं इसे दम पे रख दूंगी। यहाँ पे हमारा व्लॉग चल रहा है, तो हम लोगों ने व्लॉग अपना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि व्लॉग जब मैं डालती हूँ तो हमारे टीवी में ज़रूर लगता है, हमारे हस्बैंड ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि टीवी में लगाओ सब लोग साथ में देखेंगे, तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर हम लोगों ने अपना व्लॉग इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। अपना व्लॉग देखने में बहुत अजीब सा फील होता है। साथ में मैंने दही की चटनी भी बनाई थी और एग भी बॉईल कर लिया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। ये सिंपल सा पुलाव, एक एग और दही की चटनी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिरयानी से कम नहीं लग रहा था, बहुत मज़ा आया खा के। ओके गाइज, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।